हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। देखिए, सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब सब लोगों का डिसाइड हो चुका है कि उनको नीट 2020 देना है कि नहीं देना है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो नीट 2020 में बैठने वाले हैं, उन सभी के लिए हम लोग लेके आए हैं हमारा मैनेजमेंट प्लान। ठीक है ना, अभी 2020 जो है हमारा हमारे किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है, तो इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए हमें भी स्ट्रेटेजी प्लान तो करना पड़ेगा। तो हम वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, गो फॉर इट। ओके, देखो वर्ड से ही हमें मिल गया है गो, है ना, गो फॉर इट, डू इट, चलिए अब करते हैं। तो देखो ये जो वर्ड्स है ना, इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि हमें आखिर आगे करना क्या है। तो देखिए यहां पे डी जो है वो यहां पे स्टैंड कर रहा है किसके लिए, डेस्टिनी के लिए, और ओ जो है वो स्टैंड करता है अपॉर्चुनिटीज के लिए। वैसे ही गो में जी जो है वो है गोल के लिए और ओ अगेन है फिर से अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो देखो आपको ये मालूम है आपकी डेस्टिनी एंड गोल क्या है, वो है आपका नीट 2020। आप उसके लिए अब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ये प्रिपरेशन जो है आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो उसको करने के लिए और इसमें जीत हासिल करने के लिए हमारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हमें जो है उन सबको हमें यूटिलाइज करना है। तो वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम अक्सर क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो वो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो जरा फटाफट से देखते हैं कि वो लिस्ट क्या है। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज में हमारे पास में आती है चार चीजें बेसिकली। सबसे पहला चीज आती है टाइम, है ना, हमारा टाइम जो है वो मैनेजमेंट उसका नहीं हो पाता है और इसकी वजह से पूरा साल निकल जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ में हम देखेंगे कोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ही एक हम बोलते हैं चैप्टर के पीछे या एक ही एक टॉपिक के पीछे भागते रहते हैं और हमारा पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, तो उसको भी हम मैनेज करके चलेंगे। थर्ड चीज जो आ जाती है वो आती है हमारी बुक्स, आखिर हम पढ़ें क्या, कहां से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ये बहुत जरूरी है मैनेज होके चलना, तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन सेल्फ मैनेजमेंट, अपना दिमाग, अपना ब्रेन और अपने आप को भी मैनेज करके इस पूरे साल में हमें चलना है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ये मैनेजमेंट प्रोग्राम्स यानी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको। लेकिन उससे पहले फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस पूरे साल में ध्यान रखनी है हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो देखो सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो आ जाती है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट में मैं यहां पे बात पर्टिकुलरली बायोलॉजी के बारे में करने वाली हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूं कि आपको एक पूरे दिन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी बॉटनी एंड जूलॉजी चारों सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट वे में चलें कि आज हमने क्या किया, बायोलॉजी में बॉटनी पढ़ा और कल हमने जूलॉजी पढ़ा, फिर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो पूरा दिन भर फिजिक्स ही पढ़ते रहेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट को हमें पूरा पूरा टाइम देना है, ध्यान रखनी है ये चीज। द नेक्स्ट वन, डू मल्टीपल रीडिंग फॉर द बायोलॉजी। बायोलॉजी देखो लर्निंग का सब्जेक्ट है, आपको लर्न करना होता है बहुत सारी चीजें, तो जितनी बार आप उसको बार बार पढ़ते हैं उससे वो ज्यादा अच्छी याद होती है। देखो आप एग्जाम्पल के तौर पे हनुमान चालीसा क्या बैठे थे आप लेके, कि हम पहले उसको याद करेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, मंदिर के आगे बैठ के हनुमान जी के सामने पूजा करेंगे। आप डेली पूजा करते रहते हैं और धीरे धीरे वो कब आपको लर्न हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। तो बस वैसा ही कुछ यहाँ पे भी चलना है कि आपको डेली आपको क्या करना है, आपको अपने चैप्टर्स की एनसीईआरटी की बार बार रीडिंग लगाते रहना है। तो ये ध्यान रखना है पूरे साल भर का, है ना, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। डू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब आप अपने नोट्स या अपनी बुक्स को पढ़ रहे होंगे तो देखो ये एक मस्ट काम है जो आपको हमेशा करना है कि आपको अंडरलाइन कर लेनी है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उन सबको अच्छे से क्या करना है, अंडरलाइन करते हुए चलना है, हाईलाइट करते हुए चलना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बार बार पढ़ना है ना, तो बाद में ये हाईलाइटेड जो पॉइंट्स होंगे वही आपको बहुत काम आने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे ये चीज। ठीक है, इसके साथ में देखो बड़े ना मिस्टेक कर देते हैं बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि पढ़ने तो बैठ जाते हैं और किताब को लेकर रीडिंग लगाना शुरू कर देते हैं, बट ना तो पेपर पेन लेते हैं पास में ताकि हम उनको लिख सके, है ना। कुछ चीजें क्या होती है, अपने आप को अलर्ट रखने के लिए लिखना पड़ता है, डायग्राम बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए कॉपी पेन जो है ना वो पास में हमेशा होना चाहिए। तो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखेंगे केवल रीडिंग नहीं करनी है, अपना पेन पेंसिल और अपनी नोटबुक भी साथ लेके बैठना है, लिखते रहना है साथ साथ में। ठीक है ना, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज,
डेली बेसिस पे करने हैं, आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे वो एक दिन में आप हर चैप्टर से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज ही क्यों ना सॉल्व करें, दैट्स डिपेंड ऑन योर कि आपका कैसा आपका कैलिबर है, आप किस तरीके से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए, लेकिन आपको डेली एमसीक्यूज को सॉल्व करना ही करना है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मैनेजमेंट प्रोग्राम की तरफ कि हमने कैसे मैनेज करने हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज को। तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो होती है हमारा टाइम मैनेजमेंट। देखिए मैंने एक रफ सा आप लोगों के लिए टाइम टेबल तैयार किया है जिसको मैंने बहुत बार फॉलो करके देखा और बहुत स्टूडेंट्स को बताया भी है, देखते हैं आप लोग फॉलो करके देखिए कितना आपके लिए बेनिफिशियल ये रहता है। देखिए पूरे दिन भर में अगर आप मान के चलो आप 5 बजे उठते हो और रात को अगर आप 10 बजे सो जाते हो तो आपके पास में 17-18 घंटे हम आपके पास में रहते हैं, है ना। उस टाइम पीरियड में से आप 3-4 घंटे आपके जो इंस्टीट्यूशन के हैं जिसको आपने ज्वाइन कर रखा है या फिर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं उनको आपने दे रखा है वो टाइम भी आप निकाल दीजिए। उसके बाद में आपके खाने पीने का नहाने का ठीक है ना वो टाइम पीरियड भी आप निकाल दीजिए। उसके बाद में 1-2 घंटे अगर आप यूं बोलते हो कि आपने बातें करने में फैमिली के साथ में भी टाइम स्पेंड किया तो उसको भी निकालने के बाद में आपके पास में अप्रोक्स 8-10 आवर्स रहते हैं जिसमें आप अपनी स्टडी प्लान कर सकते हो। बट मुझे उसमें से चाहिए सिर्फ 4 आवर्स, 4 घंटे हमें चाहिए, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। बस इसी को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, हमारी पढ़ाई करनी है। अब देखते हैं फटाफट से टाइम टेबल क्या हमने प्रिपेयर किया। हमने ये 2 घंटे लिए मॉर्निंग से और 2 घंटे लिए हमने नाइट टाइम से। 6-7 हम पढ़ेंगे, 7-8 पढ़ेंगे, उसके बाद में नाइट में 9-10 एंड 10-11 हम पढ़ेंगे। एक एक घंटा हमें पढ़ना है, ठीक है ना। यानी 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, सोना भी बायोलॉजी के साथ और उठना भी बायोलॉजी के साथ। फर्स्ट 1 आवर आपको बॉटनी को देना है, बट कौन सी बॉटनी, 11th की सुबह सुबह। उसके बाद में आपको जूलॉजी को देना है, ठीक है, सेकंड, वो भी कौन सी है, 11th की, राइट। रात के जो 2 घंटे हैं उसमें से आपको बॉटनी देनी है और जूलॉजी को 1-1 घंटा देना है, लेकिन वो कौन सी है, 12th की है आपकी। क्योंकि देखो आप जितने भी स्टूडेंट 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो या तो कौन है जो 12th में पढ़ रहे हैं अभी या फिर वो है जो ड्रॉप कर रहे हैं इस साल, तो सबके पास में कंडीशन ये रहेगी कि 11th तो सबने पढ़ी है और कुछ जो है वो 12th रनिंग में पढ़ रहे हैं, बट जो टारगेट वाले जो हम ये बोल सकते हैं ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं वो तो 12th भी पढ़ के आए हैं, है ना। तो आपको 11th एंड 12th दोनों को साथ साथ में स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी देखो आपको ऐसा नहीं है पूरा 1 घंटा बैठ के रीडिंग ही लगानी है, आपको मैंने उसमें भी डिवीजन कर दिया है कि आपने फर्स्ट 1 घंटा आपने मान लिया बॉटनी लेके आप बैठे हो तो उसमें 45 मिनट तो आप क्या करोगे अपने चैप्टर की रीडिंग लगाओगे और 15 मिनट आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, चाहे वो एमसीक्यू 10 से 15 या 20 या 30 जितना आपका कैलेबर है वो कितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज हमें पर टॉपिक हमेशा सॉल्व करना ही करना है डेली। यानी आपको डेली 4 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे सुबह 11th और 2 घंटे शाम को 12th, ये हो गया आपका टाइम प्लान, ठीक है ना। टाइम को हमने मैनेज कर लिया, अब हम इसके साथ में हमारा कोर्स सिलेबस कैसे मैनेज करेंगे जरा देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो ये हमारी एक्सपर्ट की टीम ने बनाया है कि हर चैप्टर को कितना टाइम लगेगा, तो हमने क्या किया है 11th जो है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बॉटनी एंड जूलॉजी के अंदर, राइट। और बॉटनी में से कुछ हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बॉटनी में भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी जो है वो बॉटनी में भी पढ़ाई जाती है और जूलॉजी में भी पढ़ाई जाती है, तो हमने क्या किया सेल बायोलॉजी को जूलॉजी के साथ में रखा है ताकि हम बैलेंस तरीके से पढ़ सके ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको एक साथ हम शुरू कर सके। तो देखो ये लिस्ट हमने बनाई है जिसमें हमारे पास में बॉटनी के चैप्टर है 11th के और पर चैप्टर को कितने हमारे पास में हमें टाइम चाहिए होता है, कितने घंटे चाहिए होते हैं, ये वो टाइमिंग यहां पे लिखा है। जैसे लिविंग वर्ड है उसको कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स चाहिए रीडिंग के लिए, ठीक है। बट उसके साथ में हमने आपको, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको 1 घंटे ही पढ़ना है पर उसमें से भी 45 मिनट, और मैं ये मान के चल रही हूं कि आप उस 45 मिनट में भी 30 मिनट ही पढ़ेंगे, यानी आधे घंटा ही आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको बोल रही हूं, मैं आपको 6 दिन दे रही हूं लिविंग वर्ड के लिए। सेम ऐसे ही हमने डाटा तैयार किया बाकी के चैप्टर्स के लिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 4 घंटे का चैप्टर है, ठीक है, बट आपको मैं दे रही हूं 8 दिन। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जितने भी मैंने लिस्ट ये चैप्टर्स की हमने डाली है वीडियो पॉज कर करके ये डाटाज आप अपने पास में जरूर रखिए जो आपको बहुत बेनिफिट में आने वाले हैं। तो ये बॉटनी से रिलेटेड है जिसको पूरा कंप्लीट करने में हमें 68 डेज चाहिए, राइट। ऐसे ही हमने जूलॉजी के लिए भी तैयार किया है, ये 11th के जूलॉजी के चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने साइटोलॉजी को, यानी कि हमारी जो सेल बायोलॉजी है उसको हमने जूलॉजी के साथ में रखा है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 76 डेज चाहिए। यानी कि आपने पैरेलल स्टार्ट किया है 11th की बॉटनी एंड जूलॉजी, आफ्टर 76 डेज आपकी बॉटनी एंड जूलॉजी 11th की कंप्लीट हो जाएगी। इस अकॉर्डिंग अगर आप डेली चलते हैं तो वो जरूर कंप्लीट हो जाएगी
11th की, ठीक है, बट आप नाइट में साथ साथ में 12th भी कर रहे हैं, राइट। तो देखो आप 12th कर रहे हो तो उसके लिए भी हमने मैनेजमेंट प्लान बनाया है, ये आपके 12th के टॉपिक है, बट इसमें भी हमने बॉटनी में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के साथ साथ में हमारे पास में आ जाते हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, उसको हम बॉटनी में भी पढ़ा सकते हैं और उसको हम जूलॉजी में भी पढ़ा सकते हैं, बट हमने उसको जूलॉजी के साथ में रखा है बैलेंस करने के लिए, है ना। अच्छे अच्छे टॉपिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमने उनको जूलॉजी के साथ में रखा है। तो देखें अगर 12th के अंदर तो बॉटनी के चैप्टर्स को टोटल चाहिए कितने, 42 डेज, आधी घंटा अगर आप डेली दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको 42 डेज चाहिए 12th के बॉटनी पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगेन मैं बोल रही हूं इसको प्लीज पॉज करके अपने पास में ये डाटा जरूर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं ये डाटाज आपके लिए। एंड अगर जूलॉजी आपको कंप्लीट करनी है 12th की तो उसके लिए भी हमने चार्ट बनाया है, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है 3 घंटे का चैप्टर है, मैंने आपको दिए 6 दिन, यानी टोटल आप देख सकते हो जूलॉजी को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए 46 डेज, यानी सुबह आपने 76 डेज में 11th कंप्लीट की, नाइट में आपने 46 डेज में ही क्या कर लिया 12th कंप्लीट की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11th एंड 12th आप सेम टाइम पे कर दोगे कन्वर्ट क्या अपने क्लासेस को, यानी सुबह आपने जो 11th कर रहे थे आफ्टर 76 डेज आप स्टार्ट कर देंगे 12th, और जो रात को आप 12th कर रहे थे वहां पे आप स्टार्ट कर देंगे 11th। अगर आप प्लस करते हैं 76 प्लस 46 तो आपके डेज होते हैं 122, यानी कि 4 महीने। 4 महीने में आप क्या कर सकते हैं कि सुबह आपने 11th एंड 12th को कंप्लीट किया और शाम को भी आपने 11th एंड 12th को कंप्लीट किया, यानी 4 महीने में 2 बार 11th भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और 12th भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही मैनेज तरीके से आपको चलना है, अगर आप मैनेज होके चलते हैं तो आप देखिएगा आप 4 महीने के बाद में क्या करेंगे, दो दो बार 11th 12th कर चुके होंगे। अब देखो इसी के साथ में एक चीज मैं आपको और बोलना चाह रही हूं कि ये जो मैनेजमेंट प्रोग्राम हमने बताया है, ये मैनेजमेंट प्रोग्राम हमने 4 महीनों के लिए बताया है, आप उसके बाद में क्या मैनेज करेंगे हम, क्योंकि हमें तो देखो हमारी स्ट्रेटेजी बार बार चेंज करते रहना है ना, एक स्ट्रेटेजी से हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक बार ये तो क्या है आपके पास में, एक बार पहली बार हम ये बोल सकते हैं इस साल पहली बार आप इस सिलेबस से होके गुजर रहे हैं, हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए गुजर रहे हैं, उसके बाद में शायद जितना टाइम आपको अभी लग रहा है रीडिंग के लिए उससे कम टाइम लगेगा, तो हम स्ट्रेटेजी प्लान जो है टाइम टू टाइम चेंज करेंगे और उसके साथ में हम उसके लिए वीडियो डालते जाएंगे, बट अभी के लिए 4 महीनों के लिए आपके पास में ये स्ट्रेटेजी प्लान है, इसको आप फॉलो करके देखिए, मैं आपको कह रही हूं आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। अभी देखिए इस चीज के अंदर मैं आप लोगों को एक बात ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो 4 मंथ प्लान है इसमें केवल ऐसे ही फॉलो करते तो रहना, इसी के साथ साथ आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए थे याद रखने के लिए उनको भी आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो आगे नेक्स्ट आ जाता है आपकी बुक्स मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको रखना है कि आपको आपकी एनसीईआरटी जो है ना वही सब कुछ है, आपको आपकी एनसीईआरटी पढ़नी है, राइट। एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है। सेकंड आपकी चीज आ जाती है नोट्स। अभी देखो नोट्स के अंदर आपके पास में देखो दो तरीके से नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, या तो आपने किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया है वहां से आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, और हो सकता है मे बी आप ऑनलाइन हमसे स्टडीज कर रहे हो तो आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आपको सेकंड चीज जो फॉलो करनी है वो आपके नोट्स फॉलो करने हैं, ठीक है। जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं आपको ध्यान रखना है आपको वही पढ़ने हैं, ठीक है। थर्ड चीज जो आ जाती है वो आ जाती है MCQs। यहां पर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम कई सारी बुक्स जो है उनको हम रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं पर्टिकुलर हर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो अलग से करेंगे कि हमारे पास में कौन कौन सी बुक्स अच्छी सी हो सकती है, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी और नोट्स जो है उन्हीं को फॉलो करना है, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपके बुक्स का मैनेजमेंट। अब द लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए डेली डिसाइडेड टारगेट एंड ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन द सेम डे, ये बहुत जरूरी है। नीट आपका टारगेट जरूर है लेकिन उसे एक बार देखिए और उसके बाद भूल जाइए। अब आपको जो याद रखना है वो चीज ये याद रखनी है कि आपको डेली अपना टारगेट डिसाइड करना है कि भाई आधे घंटे में आप कितना टॉपिक कर सकते हो, आपको उतना ही टॉपिक करना है, उसके MCQs करने हैं और वो खत्म, बस बात खत्म। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टारगेट एंड देन वो उसी दिन खत्म। आप जब ऐसे स्टेप वाइज चलते रहेंगे एट द एंड ऑफ 4 मंथ आप 2 बार 11th एंड 12th कर चुके होंगे, जिसमें से आपके पास में ऑप्शन है कि आप फर्स्ट अगर एनसीईआरटी उठा रहे हैं फर्स्ट राउंड में तो सेकंड राउंड में आप अपने नोट्स को उठा लीजिए, या फर्स्ट राउंड में आप अपने नोट्स को उठा रहे हैं तो सेकंड राउंड में आप अपनी एनसीईआरटी को उठा लीजिए, और अगर आप इसको फॉलो करते रहते हैं कंटिन्यूटी के साथ में तो आप जरूर अब सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ठीक है। और द लास्ट वन, कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट होता है आप बोलिए कि यस मैंने कर लिया,
ये बहुत जरूरी है, अपने आप को अप्रिशिएट करना, कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हमने आज का टारगेट हमारा पूरा किया, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, घबराहट दूर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई भी सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिए। किसी चीज को लेकर डाउट है, अगर हम उस पर वीडियो कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे लिखिए। थैंक यू।